राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां प्रदेश में लॉकडाउन का जो आखिरी दिन है, चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। कलेक्टर लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लेंगे, तो वहीं रायपुर में फिलहाल नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां प्रदेश में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है, चौक चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है, तो वहीं कलेक्टर लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निधि प्रसाद फोन लाइन पर जुड़ी है। निधि, आज रायपुर में अगर बात की जाए प्रदेश में, तो आखिरी दिन है लॉकडाउन का, फिलहाल किस तरह की स्थिति और तस्वीरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, और इसी के साथ साथ अगर बात करें राजधानी की, तो राजधानी लगातार बीते दिनों हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना संक्रमण के मामले में, जिसे लेकर राज्य सरकार ने लॉकडाउन किया था। और ये लॉकडाउन दो चरणों में किया गया था। पहले चरण में ये 7 दिन का लॉकडाउन था, उसके बाद भी जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कटौती नहीं आई, उसके बाद ये लॉकडाउन जो है वो 6 अगस्त तक बढ़ाया गया। अब आज 6 अगस्त है, इसे लेकर कल ही अफसरों ने इस संबंध में बैठक की है कि अगस्त के बाद, यानी कि 6 अगस्त के बाद से लेकर 7 अगस्त से लॉकडाउन खोला जाएगा। लेकिन जैसे अगर लॉकडाउन खोला जाएगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी ऑफिस तो इसमें खोले जाएंगे, लेकिन जो व्यापारिक की दुकानें हैं और जिन जगहों पर भीड़ ज्यादा होती है, तो ये सब सारी चीजें देखते हुए एक बार जो लॉकडाउन खोला जाएगा दुर्ग में, बिलासपुर में और रायपुर में, जो कि लगातार ज्यादा से ज्यादा मरीज यहाँ से मिले, तो लॉकडाउन खोला जाएगा वो इस तरह खोला जाएगा कि यहाँ पर एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी और इसके इस समय सीमा के अंतराल इन दुकानों को खोला जाएगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण शर्तों के साथ ये लॉकडाउन खोला जाएगा। बाकी अन्य जिलों में जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति पहले थी, अनलॉक की स्थिति पहले थी, वैसे ही रहेंगी, लेकिन जिस तरह से राजधानी और बिलासपुर और दुर्ग एक हॉटस्पॉट बना ही हुआ है, इसे देखते हुए यहाँ पर शर्तों के साथ ये लॉकडाउन खोला जाएगा, जिसमें आज सभी जिलों के जो कलेक्टर है, यानी कि राजधानी के भी जो कलेक्टर है, वो व्यापारियों के साथ बैठक लेंगे, विचार विमर्श कर, चर्चा कर, निर्णय कर, इसके बाद कितने बजे तक इन दुकानों को खोला जाना है उस पर फैसला किया जाएगा। अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले ये खबर है कि शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ही केवल रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में ये दुकानें खोली जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वो जब तक कम नहीं होता है तब तक लॉकडाउन के बाद भी इन शर्तों के मुताबिक ही राजधानी में दुकानें खोली जाएंगी, ताकि संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा से ज्यादा ना फैले। आज भी कलेक्टर एस भारतीदासन जो है सभी व्यापारियों के साथ बैठक लेंगे और इस बैठक में ही वो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर हम लॉकडाउन खोलने की बात करें, तो कल ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी ये स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन खोलने जाने का अधिकार हमने कलेक्टरों को सौंप दिया है और अब कलेक्टर ही जो है तय करेंगे या प्रशासन ही तय करेगा कि किस तरह से राजधानी में अन्य जिलों में जो लॉकडाउन है वो खोला जाना है। तो फिलहाल आज बैठक ली जाएगी सभी व्यापारियों के साथ कलेक्टरों की, उसके बाद उसमें विचार विमर्श मंथन किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि कितने समय से लेकर कितने समय तक इन दुकानों को खोला जाए। बिल्कुल निधि, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसमें प्रशासन बेहतरी के लिए लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा उसको लेकर फैसला आज बैठक में लेगा। अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर, लगातार हम भी देख रहे हैं कि अफवाहें फैल रही है कि लॉकडाउन को आगे और बढ़ाया जा सकता है, और प्रशासन ने कहीं ना कहीं इस पर अभी फिलहाल मौन साध रखा है, तो किस तरह की स्थिति अभी क्लियर हो जाएगी इस बैठक में, क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से राजधानी में लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, लगातार जो है पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे थे, संख्या की कटौती बिल्कुल नहीं हो रही थी, इसे देखते हुए चर्चाएं जरूर चल रही थी कि ये जो 6 अगस्त तक लॉकडाउन किया गया है इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कि इसको और ज्यादा
बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें कल की, तो कई अफसरों ने इस पर लेकर बैठक ली है और बैठक में निर्णय किया है कि लॉकडाउन खोला जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब जो स्थिति है लॉकडाउन की वो हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी इससे काफी परेशान हो रही है। तो इसे देखते हुए लॉकडाउन तो नहीं बढ़ा जाएगा, लेकिन अब आगे क्या निर्णय लेना है, क्या विचार करना है, इसे इसका पूरा निर्णय जो है वो जिला कलेक्टर लेंगे, क्योंकि इसका अधिकार हमें हमने उन्हें ही दे दिया है। तो इसे देखते हुए अब आज जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी शाम तक के, जब व्यापारियों के साथ जिला कलेक्टर की बैठक होगी, इसका विचार विमर्श होगा। फिलहाल जो लॉकडाउन है उसे बढ़ाने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण तो बढ़ रहा है लेकिन आर्थिक व्यवस्था भी इसके काफी चरमरा रही है। इसे देखते हुए जहां तक जो है जो लॉकडाउन की स्थिति है वो आगे नहीं जाएगी, रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में लॉकडाउन थोड़ा जरूर जाएगा लेकिन तमाम शर्तों के साथ, और इसके साथ ही कलेक्टर जो है वो दुकानें अगर खोली जाती हैं तो उस पर मास्क की अनिवार्यता कैसी हो, सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता कैसी हो, इन सारी चीजों में विचार विमर्श किया जाएगा व्यापारियों से। उसके बाद ही उनकी जो समय सीमा है वो निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले खबर है इसमें यही पता चल रहा है कि शाम को ही केवल कलेक्टर और प्रशासन फिलहाल विचार विमर्श करेगा कि किस तरह से राजधानी रायपुर में लॉकडाउन खोला जाए या किस तरह के एहतियात बरते जाए, उसकी एक बकायदा सूची जारी की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए निधि आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, प्रदेश में लॉकडाउन का आज अंतिम दिन है, चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो वहीं आज कलेक्टर यानी कि प्रशासन की तरफ से एक बैठक जारी की जाएगी जहां लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं और अगर बढ़ेगा तो किस तरह एहतियात उसके बरते जाएंगे उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।